فلا تكلني الله نفسي فعينك تكلني الله نفسي تخربني الا الشر ضمن خير واني لا تقل الله برحمتك فاجعلني عندك احدا طافي عندك احدا طافي الا يوم القيامه انك لا تقل في الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولاصحابه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين खींचो अंदर से तेजी के साथ खींचो उसकी सारी दवा बाहर खींच लो हाँ खींचो और तेजी से जितने भी तकलीफा देने वाली दवा सुई सुया चुबा रही आंग में जितने भी तकलीफा सुया टीचा दर्दा करने वाली सब दवा को बाहर खींचो आंग लगा के बाहर चला बाहर लाओ मार मार के लाओ उसको पूरी बाहर खींच लो जलाओ तेज के साथ जला के खींचो पूरी दवा बाहर जलाओ अंदर से उसको जलाते रहो मार मार के आग लगाओ उसको इधर से लेकर कैमरा ये ऐसा रहता साइंस और डॉक्टर्स जितने भी लोग मीटिंग जब होती पेशेंट को तो फिल्टर का पानी पीते बिस्लरी का जो भी पानी पिलाओ ताकि शुद्ध अच्छा पानी पिलाने से उसके मीटिंग बंद हो जाते और कुदरत का निज़ाम जिसको दवा खिलाए वाली होती उसको कौन सा भी पानी फिल्टर का पिलाओ किस पर भी दम करके अल्लाह के कलाम को उसके अंदर से ऐसा खींच के दवा बाहर निकाल कर फेंकते ये कुदरत का निज़ाम है ये दवाएँ अंदर बैठ के क्या करते ये तुम्हारे शरीर को गलाते सड़ाते और तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारियाँ लगाते और बीमारियाँ लगा फिर तुम आप क्या करते घर करके हलाक करा देते वक्त से पहले भी मौत रखा अल्लाह ने बेशक हर चीज पे अल्लाह ही खादिर है हर चीज पे अल्लाह खादिर है हर चीज पे अल्लाह हुकूमत करता अल्लाह जानदार पे भी हुकूमत करता अल्लाह बेजान पे भी हुकूमत करता लेकिन अकल के अंधे लोगों अल्लाह ने पहले ही बता दिया अल्लाह ने उनको पहले ही बता दिया कि मौत से पहले भी हमने मौत रख लिए मौत से पहले हमने शहादत की मौत रखे कुरान में फरमा दिया शहीद की करी शहादत का जाम नोश फरमाओ राहे फी सबीलिल्लाह तुम अल्लाह के चुनिंदा बंदों में शुमार हो जाएंगे शहीद को मुर्दा मत कहो जिंदा है शहीद उसका एक सम उसको मरोबा पहुंचाते अल्लाह ने फरमा दिया फिर अल्लाह ने फरमाया और एक मौत रखा मौत से पहले जिसको हराम मौत बोलते और उसके करीब मत जाओ फरमा दिया अगर उसके करीब जाएंगे हराम मौत के तो अल्लाह ने फरमाया फिर अल्लाह तुम सख्त नाराज हो जाएगा और तुमको जिस तरीके से तुम्हारी हराम मौत होंगी मुसलसिल उस तरीके से तुम आपको सजा मिलते रहेंगे वैसे ही तुमको अपने हाथ से खत्म करते रहना पड़ेगा आखिरत में भी ला महदूद टाइम वो चलते रहेगा मसला ये सब बातें तुमको बता दिया ले तो क्यों बताए वाले ये सब तुम इसलिए बताए वाली दास्तान है कि तुम पढ़ो और पढ़ के समझो अगर तुम जानकर अनजान बनेंगे तो फिर तुमको जाहिल करार दिया होता है जाहिल इस्लाम में जाहिल उसको नहीं बोला जाता है कि जो अनपढ़ है अरे अनपढ़ अरे जाहिल बोलते लोग तो वो बात गलत है अनपढ़ जहाँ है वहाँ जाहिल नहीं रहता और जाहिल है वहाँ अनपढ़ नहीं रहता बहुत आर दी डिफरेंसेस दोनों में भी बहुत अलग अलग डिफरेंस जमीन आसमान का फर्क है जो अनपढ़ है वो जाहिल नहीं रहता पढ़े लिखे आलिम को जाहिल बोले आला अगर उन्हें जानकर भी अनजान बन रहा तो फिर वो जाहिल है यानी कि अपने हाथ से अपनी खबर खोद रहा तो बड़ा बेवकूफ है तो इसलिए तुमको ये सब बातें जो बताते ये सब चीजें इन सब थियरियों का ये सब जो मसला है ये सब बताना तुमको जो दास्तान है इस सबका कंफ्यूजन एक ही से निकलता है इबादत 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 के रस्सी को मजबूती से थाम लो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे उनके मैं दुनिया से जाने के बाद जहां पर भी ये दो चीज मिल गए इनके रस्सी को मजबूती से थाम लो एक तो कुरान और हदीस और दूसरा मेरे अहले बैत क्योंकि जो मेरी औलादे हैं वो भी तुमको अल्लाह रसूल के पास और कुरान से ही जोड़ेंगी और कुरान और हदीस भी तुमको अल्लाह रसूल और मेरे औलादों से ही जोड़कर वो करेगा अल्लाह और उसके रसूल की राह पर ही देंगे दोनों भी पढ़ रहे हैं वहीं जाते दोनों का भी मकसद वही है तो इसलिए तुमको बताया वाला है हदीसों में बयान कर दिया था कि जहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आल मेरी औलाद की रस्सी मेरे अहले बैत तुमको मिल गए तो उनकी रस्सी को मजबूती से थाम लो और अगर वो नहीं मिले तुमको कुरान और हदीस मिल रहे तो वो रस्सी को मजबूत थाम तो दोनों में जो भी रस्सी को मजबूती से थामेंगे ये दोनों भी तुमको वही दिशा से ले जाते हैं अल्लाह रसूल के पास लाने वाले हैं और जाहिलों से बदमाशों से निखटुओं से बेवकूफों से बाज आ जाओ ये बेवकूफा ये जाहिला ये निखटुआ ये झूठे ये जो है तो ये इनके बारे में क्या बयान करूँ मैं
मेरे को अभी एक बात, एक सवाल करा बॉस से, सवाल का जवाब तो बहुत पहले दे दिया था मैंने, बचपन में भी करे थे लोगों ने सवाल दिया। बहुत सारे सैयद जो है, तो बोले बहुत सारे सैयदों में ऐसे भी लोग है कि जिन्होंने पीर के हाथ से बैद लिए और अपने नाम के आगे सैयद लगा दिए। पहले थे वो शेख, बेग, खान, एक्स वाई जेड, औदर कबीले के, औदर कास्ट के थे। बाद में जब उन्होंने कोई पीर के पास कोई फेकार, कोई बदमाश, कोई जहन्नुम के हकदार, वो कमबख्त जो कि बैद ले रहा लोगों की और बैद लेके उनको सादात का लखब दे रहा बोलते हैं। अब ऐसा सुना मैं कि करे बहुत सारे लोगों ने, पहले लोगों ने बोले और मैंने दो एक जने के नहीं कई लोगों के मुंह से सुना था। और मैंने एक शख्स को देखा भी था, वो शेख था, उन्होंने बैद लिया उसके पीर से और बैद लेने के बाद अपने नाम के आगे सैयद लगा रहा। तो मैंने उसको पूछा कि तुम तो, मेरे को याद था तुमको मैंने 4 साल पहले या 5 साल पहले पूछा था, तो उन्होंने शेख बोले तो बाद में सैयद। तो मैंने बोला तुम ऐसा कैसा बोल रहे अपने नाम को? तुम बोले हमने हमारे पीर से बैद लिया और हमारे पीर ने हमको बोल दिया, बोले तुम सैयद हो गए। शर्म कर, मैं बोला नाला जहन्नुम का ईंधन बन जाए तेरा पीर, उसकी सारी नस्लें और उसके कौन है उसके ऊपर जो उसको सिखाए, सब इबलीस के हकदार कमबख्तों नाला हो। सैयद ही एक बुलेट लाइन ऐसी है, खून का घरा या ऐसा बुलेट लाइन है कि जो लखब तुम लगा नहीं सकते नाम के आगे। ओरिजिनल खून तुम्हारे नस्ल के अंदर होना तो ही तुम बोल सकते अपने नाम को सैयद। इमाम हसन, इमाम हुसैन का खून तुम्हारे अंदर है तो तुम सैयद है, और अगर तुम हाशमी है तो तुम सादात नहीं होते, सैयद नहीं हो तुम। तुम अगर हाशमी है, सबके बयान देख लो, बरेलवी, देवबंद और यहाँ तक कि शिया के मसलक को भी देख लो तुम, मैंने सबके बयान देख के बैठा। और मेरे बचपन से पता था, मैं हमेशा बोलता था कि सिर्फ सैयद कौन है, सैयद कौन है, सिर्फ सैयद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयद आप सल्लम है और आपके बाद में अम्मी हुजूर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयद है, और अम्मी हुजूर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद में सैयद कोई है तो इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनके बाद में कोई सैयद नहीं है, उनके ही बच्चे सैयद रहे दुनिया में, बाकी कोई सैयद नहीं बोल के तो फिर सादात की और सैयद की इतना जिन्नात और शैतान तक अदब करते हैं उनका। इंसानों तुम अब कब अक्लेंगी और कब घड़े देंगी कि जिन्नात और शैतान जो थरथर कांपते ना, ओरिजिनल नसल और ओरिजिनल जो खून है उसके सामने थरथर कांपते हो, खून का तासीर रहता हो। वो बोलते हैं ना, उस जात जाती जात पे डराती जाती घास पे, तो वैसी बात है। और तुम अपने नामों के आगे अगर सैयद लगा देंगे तो उससे क्या उरी दास्तान पता है तुमको? सारे उलमाओं के बयानों में, सारे मसलकों में बता दिया कि सैयद सिर्फ इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद है। यहाँ तक कि हजरत अली ने जो दूसरे बीबियां करे थे उनसे जो बच्चे वो भी सैयद नहीं होते, वो अहले बैत है, वो अहले बैत सैयद नहीं होते। सैयद सिर्फ इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिए सैयद वो है। फिर तुम कहां से सैयद बन रहे अपने नाम के आगे? अरे तुम सैयद अपने नाम के आगे लगा रहे तुम्हारी कास्ट बदल के, तो अल्लाह को जला ला देगा, और अल्लाह को जला ला तुम्हारी नस्ल मिटा के रख देगा दुनिया के अंदर। कैसा जला ला था अल्लाह को पता है तुम्हारा? कि तुम अगर है शेख और तुम अपने नहीं, तुम अगर बेग, पठान, कुछ भी है, तुम अपने नाम के आगे अगर सैयद लगा दे रहे तो अल्लाह को जला ली स्वास्थ्य आ जाता कि तुमने तुम्हारे माँ को सैयद घराने पर तोहमत लगा दी कि तुम्हारे माँ ने वहां जाके तुम्हारा को पैदा करी, शेख के निके में रही और वहां से पैदा करी, बोल के ये तोहमत लगाया तुमने तुम्हारे मुंह से, बोल के अल्लाह को इतना बड़ा जला लाता कि तुम्हारे नस्लों को मिटा के रख देता। क्योंकि सैयद का लखब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आपने फरमा दिया कि मेरे बाद मेरी बेटी अम्मी हुजूर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके बाद में तो मेरे बच्चे सैयद इमाम हसन, सैयद इमाम हुसैन। दुनिया में सिर्फ इनकी नस्ल सैयद रहेंगी, बाकी कोई सैयद नहीं है। सारे उलमाओं का मानना है, सारे बयानों का, सारे मुफक्किरों का, जितने भी है, सारे शेखुल हदीसों का, सबका यही मानना है कि हाँ बेशक इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं है कि सैयद वो। और जो हाशमी बोलते हैं ना अपने आप को, हम हाशमी, आप सल्लम भी हाशमी कभी ले गए, वो भी सैयद नहीं होते। वो कौन होते मालूम? जब वाहले बैद होते। जब हजरत अली के खुद दूसरे बीबी के बच्चे सैयद नहीं हो सकते तो फिर हाशमी कहाँ से सैयद होंगे? बैठी दिमाग में बात, हाशमी तो आप उनके चचा जान का घराना था ना, चचाओं का, तायाओं का, दादाओं का, उनका घराना है, तो फिर वो कहाँ से सैयद होंगे? वो अहले बैत में जाते हैं, यानी कि उनके घराने में से। इसलिए बेहतर है कि ये सब बातों पर अमल करो। अगर ये छोटे छोटे बातें हैं मगर इतने खतरनाक बातें हैं कि अगर तुम ये बातों पर अमल नहीं करे और तुमने मनमानिया कर दी तो तुम्हारी तकदीर जला देता अल्लाह, खत्म कर देता। दिन भर, दिन और रात 24 घंटे तुम फिरो फिर दर बदर चौपट पर ठोकरा खाते हुए लोगों के, तो भी तुमको फैज नहीं मिलता, राहत नहीं मिलती, तो भी तुमको नहीं देते। ये ऐसी बातें हैं, वो पीर तुम्हारा छूटा निकम्मा, उस पर नाला तुझकी जबान में क्या आंसर करके अल्लाह मारेगा, सारी नस्लों को खत्म कर देगा अल्लाह। ऐसी हरकतें करते बहना देने के बाद कमी हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हारा कि लोगों को लखब दे दे रहे नाम के आगे सैयद लगाने का? तुम्हारे बाप का घराना है सैयद, तुम्हारे बाप ने दिया सैयद का लखब, अल्लाह ने दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया अम्मी हुजूर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को और दो बच्चों को अपने, और तुम्हारे के बाप दादाओं का लखब है जो तुम उठा के किसको भी दे देंगे? खान का खिताब दे दे रहे, शेख का खिताब दे दे रहे,
बेग का खिताब दे दो, कोई भी खिताब दे दो, किसको दे सकते तुम, तुम्हारे हाथ में खिताब देने का, तो अगर वक्त का बादशाह भी बन गया बड़ा तो भी तू किसको खिताब दे सकता, कौन सा खिताब दे सकता, मैं तुझे पठान का खिताब दे दो, पठान का, शेख का, बेग का, सैयद का नहीं दे सकते, सैयद तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, नाम अल्लाह ने दिया है, जन्नत से उतारा हुआ है, सरदार बना के सरकार को, अम्मी हुजूर फातिमा जहरा बेटियों की सरदार है जन्नत में, और नौजवानों के सरदार इमाम हसन, इमाम हुसैन, फिर तुम कहाँ से लाते हैं सैयदों का लखब दूसरों को देने, वो सिर्फ ब्लड लाइन चलती, सिर्फ खून से खून का रिश्ता, बाकी कोई रिश्ते पे नहीं, सो बताओ ना, तुम दे ही नहीं सकते, और देख लो अदब जिन्नात और शैतान भी तुमसे अच्छे हैं, निपटो शर्म करो, उतनी वो नस्ल बदमाश रहते हुए जिन्नात शैतानों की भी वो सैयदों का अदब करते, ओरिजिनल सैयद इंतजाम पता चले, देखो ना यहाँ आलम क्यों लौटता है, यहाँ नीचे धूल क्यों चाटते, बोलते भी ना बाद में क्या मैंने बहुत बड़ा वो करा क्या, क्या मैंने बहुत कुछ ले लिया था भाई, खाली इबादतें करा था मैंने अल्लाह के वास्ते, इबादत के लोगों से उस अल्लाह ने उसे मर्तबा कराया, उस दास्तान ने करा, ये बताना ये जरूरी था मुझे कि मेरे सामने आई ऐसी दास्तान, शर्म करो शर्म सालो, क्या बोलूँ, बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे, चुप नहीं पिट रहे तुम पूरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में तुम्हारा तुम्हारा सिर पे मसाला पीस रही दुनिया, पूरी दुनिया भर के रहेगी विश्वास कर किसे रहे तुम, तुम दीन और हदीस को भुला के बैठ गए, तुम यहूद और नसारा के दलाला बन गए, उनके तुम्हारे पे अल्लाह के आजाब नाजिल हो गए, तुम अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामना था, सही तरीके से शरीयत पे दीन हदीस पे चलना था, फिर कौन तुम्हारा बाल बाका करता था देख लीजिए, वो तुम्हारे ही बाप दादा थे ना, तुम्हारे ही नस्लों में से ना, भी तो मुसलमान थे ना, जिन्होंने पानी पी से घोड़े दौड़ा दिए थे, जिन्होंने मैं बोलने वाले जंगों को फतह कर लिए थे, 12,000 के लश्कर लेके 1,00,000 के लश्करों पर फतह करते, 313 का लश्कर लेके 20,000 को काट के फेंक दिए थे, तारीखें पढ़ो तो पता चलेगा बहुत नेक मकबूल बादशाह लोग थे, बहुत नेक मकबूल मुसलमान थे, वो बोलके अल्लाह ने उनके साथ दिया, तुम कम वक्त हो, तुम आपको बोलने में मुझे अल्फाज नहीं बन रहा, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है सैयद नाम, याद रखना सिर्फ वो घराना है ओरिजिनल, और वही ब्लड लाइन चलती है ओरिजिनल घराने की, उनको ही रहेगा, तुम ऐसा किसी को बैद दे के नाम नहीं दे सकते, वो अब्बा का राज चल रहा तुम्हारे, मर जाएगा वो, पीर कट जाएंगे उसके हाथ, छूटा बदमाश निकल को, बस हरकतें करिए, तो समझाओ लोगों को, और ये समझो इतना क्या आसान है क्या खिताब लिख देने को नाम के आगे, कुछ वो है क्या, वो डिग्री डॉक्टर की पास कर दी, वो जन्नत से डिग्री पास हो गया, अल्लाह ने डिग्री दिया है वो नाम, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, छोटे छोटे बातें रहते हैं मगर ऐसे बातों से आजाब में गिर के बर्बाद हो जाता है इंसान अगर अमल नहीं करा तो, खैर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, चलो कहाँ से आए, चलो।